स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में आपको केव के बारे में जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मेरे जो पुराने केव टीवी के जो रूल्स थे पुराने, उसके बारे में मैंने उसमें डिटेल्स बताई थी। तो अब मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको जो केव टीवी के जो न्यू रूल्स हैं, न्यू रूल्स के साथ साथ क्या क्या बदलाव आए हैं केव टीवी में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब उनके समझ में आएगा कि ये क्यू टी वी से वो कैसे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, वो भी घर बैठे गेम खेलकर। कोई भी गेम खेलकर आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो मैं अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ, जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं, कि यहाँ पर सैलरी की पॉलिसी क्या है, जो सैलरी है वो कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी। तो जो पहले तो मैं आपको न्यू रूल्स बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं रिव्यूज में आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए अपने पहले स्ट्रीमिंग सेंटर में लोग जाते थे तो यहाँ पर हम क्या देखते थे कि स्ट्रीमिंग डाटा, तो ये आप देख सकते हैं पहले हम लोग जो करते थे, हम लोग करते थे कि हमारा जो एसीयू है, हमारा एसीयू को मेंटेन रखना रहता था। हम लोग जो पहले करते थे उसमें हमको एसीयू मेंटेन रखना रहता था, लेकिन अब हमें एपीसीयू पे ध्यान देना है। तो क्यू टी वी वालों को जो रूल्स है वो जो चेंज हुआ है सितंबर से लागू हुआ है, 1 सितंबर से लागू हुआ है, तो वो रूल्स अब ये है कि आपको अब एसीयू छोड़कर एपीसीयू पे ध्यान देना है। आपको दिख रहा होगा लास्ट में एपीसीयू, एवरेज पीक कंकरेंट यूजर्स, तो इस पर अब आपको ध्यान देना है। मतलब अब आपको एसीयू नहीं करना है। एसीयू में क्या था मैं बता दूँ एक बार, जो हमारे न्यू यूज़र्स हैं तो उनको नहीं मालूम होगा। तो एसीयू मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप लाइव चला रहे हो तो जितनी देर आप लाइव चला रहे हो उतनी देर आपकी लाइव पर आपके फ्रेंड्स या आप किसी को आप उसको बैठा कर रखो, तब जाकर आपका एसीयू बनेगा। एसीयू बनेगा उसमें आपको टाइम चलाना रहता है, लाइव टाइमिंग मतलब उसका कुछ टारगेट है कि इतने घंटे, मतलब पहले था कि 60 घंटे आपको लाइव चलाने हैं, 150 एसीयू रखने हैं और 600 पॉइंट्स बनाने, तब जाके आपको $50 मिलता था प्रति मंथ। लेकिन अब क्या हो गए, आप एक ही मंथ में, केवल इस मंथ में आप $1000 तक कमा सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, वो केवल गेम खेलकर। और यहाँ पर आपको कुछ टारगेट है उसको कंप्लीट करके। तो दोस्तों मैं आपको वही बताऊँगा कि हमारा जो ये पीसीयू है तो पीसीयू में क्या करना है। तो पीसीयू में आपको बता देता हूँ कि देखिए पीसीयू में आपको क्या करना रहेगा। जैसे मान लीजिए आप लाइव हो, आप लाइव चला रहे हो, तो लाइव चलाते वक्त बस आपके सारे फ्रेंड एक साथ आपकी ब्रॉड पर आएँ उसके बाद चले जाएँ। तो मतलब आपका यहाँ पर कुछ वो रखा गया कि आपका एपीसीयू आपके वीवर्स कितने जाने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, तो वीवर्स के हिसाब से आपको सैलरी, वीवर्स और आपके घंटे टाइमिंग, कितने घंटे आप चलाते हो लाइव, तो उस घंटे के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। क्यों वाले ने डिसाइड किया जो सितंबर से जो न्यू रूल्स हैं उसमें, तो मैं आपको वही बता देता हूँ। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सैलरी पॉलिसी में एसीयू पे एसीयू कैसे हैं। मेरे अभी भी कुछ फ्रेंड्स हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये एपीसीयू है क्या, समझ नहीं आ रहा है। तो एपीसीयू भाई आप लोग जो लाइव चलाते हो तो लाइव पे आपके व्यूवर्स बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए देखिए जब आप ऑन करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 60 तक तो मिनिमम चले जाते हैं ऑलरेडी, उसके बाद जो व्यूवर्स बढ़ते हैं तो वो व्यूवर्स कब बढ़ते हैं, जब आपकी लाइफ पर आपके फ्रेंड्स कोई आते हैं, कोई भी आएगा तो वो बढ़ता चला जाएगा, 72 होगा 80 होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो उसी को आपको मेंटेन रखना है। इसमें जो भी इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये जो आपको दिख रहा होगा मंथली एवरेज पॉपुलरिटी पीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 पीसीयू 449 तक। अगर आपका पीसीयू एपीसीयू जो है वो 150 से 449 तक अगर रहता है तो उस, और आपका मंथ में 60 आवर्स आप कंप्लीट कर लेते हो, ये दो आपका कंप्लीट है, तो आपको मिलेंगे $20। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है $20। और उसके बाद अगर आपका 450 से लेकर 599 के बीच रहता है और 60 घंटे आप चला देते हो लाइव, तो आपको मिलेंगे उसके $60। ये आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप इसको नीचे भी पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आप 600 से 999 तक का करते हो तो उस, और 60 आवर चलाते हो तो आपको मिलेगा $150। तो ये चीज़ है।
और एक बार बता दूँ 60 आवर, और 60 आवर से आप जितना ज़्यादा चला दोगे तो आपको डॉलर उतना मिल जाएगा। ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। जैसे ये देखिए, आप नीचे आओगे सबसे नीचे, ठीक है, एक बार बता दूँ कहाँ से आना है आपको, बैक जाके ये देखिए स्ट्रीमिंग रूल्स हैं, जस्ट गॉट सिंपलर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको नीचे सबसे आना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है $150 है, अगर आपका PCU जो है, APCU जो है वो 650 रहता है और 60 आवर्स लाइफ चलती है, तो आपको $150 मिलेगा। $150 का आप इंटू कर दीजिए अपने इंडियन रुपीज़ से, इंडियन रुपीज़ इस समय 71 चल रहा है, 72 चल रहा है, तो $1 72 से इंटू है, तो यहाँ पर 150 से 72 का आप इंटू करेंगे तो आप जान सकते हैं कितना हो जाएगा आपको 150। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपका PCU जो है, APCU, वो आपका 150 हो जाता है, ये 150 हो गया। उसके नीचे आपने लाइफ चला दी, मान लीजिए 70 आवर चला दी, 70 में कर देता हूँ, तो ये देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे 23 आवर। और अगर आपका यही 150 PCU भी आपका अगर 60 आवर्स रहता है तो आपको $20 मिलेगा। अब मान लीजिए आप ये 60 आवर्स रहता है और आप PCU को बढ़ा दीजिए, PCU को आप कर दीजिए 450, तो देखिए अगर 450 आप कर देते हैं और टाइमिंग उतना ही, तो आपको मिलेगा 60 60 डॉलर। और अगर आप डेली 2 घंटे ज़्यादा चला देते हो, 3 घंटे 4 घंटे, तो मान लीजिए देखिए आपने 90 घंटा कर दिया, ठीक है। अब मैं इस हावर्स को कम कर दे, सॉरी हावर्स को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। आपका PCU उतना ही रहेगा 450, मान लीजिए आप 450 पे काम कर रहे हो, तो आपका 450 है। उसके बाद मैं हावर्स को बढ़ा देता हूँ, देखिए मैं 90 हावर्स कर देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा $90, ठीक है। तो मतलब ये आपका टाइमिंग 60 आवर से अगर आप ऊपर जितना चला दोगे तो आपको आपके जो डॉलर है वो आपको बढ़ जाएगा PCU के हिसाब से। PCU अब मान लीजिए आप ये 90 आवर्स में PCU आपका ये 450 वाला है, अब ये 450 से आप इसको 600, मान लीजिए 10 PCU रख लेते हुए PCU, तो आपको मिलेगा $225, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ टाइमिंग का भी वो है कि टाइमिंग आप 60 आवर से कम मत चलाइएगा। अगर आप सही चाहते हैं कि आपको अच्छे अच्छा डॉलर आए, 60 आवर से कम बिल्कुल मत चलाइएगा। ये देख सकते हैं 60 को अगर आप, मान लीजिए आप 4 घंटे, मतलब मान लीजिए आप डेली 4 घंटे करते हैं, या बीच में एक दो दिन गैप कर दिए 3 घंटे चलाएं, बाकी दिन 4 घंटे आपका चला, तो मान लीजिए फिर भी आपका जाएगा लगभग $105, सॉरी 105 आवर चला, तो आपको देखिए 600 वाले PCU पे मिलेगा आपको $262। $262 फ्रेंड्स कम है, कम नहीं है। अब इसे मैं PCU कम कर देते हैं, ये देखिए मैं 610 की जगह इसको 450 वाला PCU कर देता हूँ, तो इसमें भी आपको मिलेगा $105। ओके, जस्ट गॉट सिंपल, वेरी इजी है, तो सिंपल है। यहाँ पर से आप खुद चेक कर सकते हो यहाँ पर आपका PCU कितना है और आपने कितने आवर्स चलाए, तो अगर आप उसका ये कर दोगे तो आपको नीचे बता देगा कि आपको कितने डॉलर मिलेंगे उसके। और दोस्तों, और इससे अधिक आप जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप, तो आप उस व्हाट्सएप पर मैसेज मुझे करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी जान सकते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए पुरस्कार नियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको फुल डिटेल भी लिखा हुआ है, मैंने शॉर्टकट में और इजी बताया है, वेरी इजी, जो हमारे न्यू यूज़र्स को भी समझ में आ जाएगा, हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक नहीं समझ आया उनको भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इंटर्नशिप वाला काम भी खत्म हो चुका है। हमारे पुराने जो यूज़र्स हैं वो सोच रहे होंगे कि इंटर्नशिप क्यों नहीं आ रही है, तो इंटर्नशिप वाला काम खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। आप बस फॉर्म भर दीजिए, और मैं बता दूं कि जिन्होंने लास्ट मंथ में फॉर्म भरा था, सितंबर के पहले लास्ट मंथ में जो फॉर्म भरे थे, वो लोग एक बार फिर से अपने फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि जो लास्ट मंथ में भरा गया था वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप फिर से उसको फॉर्म को फिर से आप भर दीजिए अपने फॉर्म्स को, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब लेवल का वो हो गया, इंटर्नशिप ख़त्म हो गया है, अब डायरेक्ट आपको लेवल मिलेगा, आप जैसा भी टारगेट करोगे तो आपको लेवल मिलेगा। 450 से ऊपर का आपको टारगेट करते हो, 450 से ऊपर का PCU रहता है अगर आप काम तो करते हो, और टाइमिंग आपको 60 आवर चलाने हैं कम से कम, तब आपको EDC SS लेवल है यहाँ पर, EDC BAS, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अगर आपको लेवल चाहिए तो आप अच्छा करो, 600 वाला करो, 600 PCU वाला करो,
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूरा जानकारी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टीमर जिन्होंने 50 घंटे तक स्टीम करता है तो उनका वेतन 160 होगा। मतलब वो 60 घंटे करता है, सॉरी 50 घंटे करता है, उसका पीसी उसका 440 वाला रहता है, तब उन्हें अधिक घंटों के लिए अधिक घंटे का वेतन मिलेगा। मतलब यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से भी है कि अगर आप 60 आवर से भी आगे चलाते हैं तो उसको प्रति घंटे के हिसाब से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉलर का। देखिए जैसे जो 400 पीसी वाला करते हैं, जिनका 400 पीसी होता है उनको ई लेवल मिल जाता है अगर वो करते रहें तो 400 पीसी वाला, तो उनके लिए सेवा शुल्क क्या है कि वो 60 आवर से अगर एक्स्ट्रा चलाते हैं तो उनको प्रति घंटा $2 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, और जो ना समझ में आया होगा आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा इसके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस एक वीडियो में इसकी पूरी डिटेल नहीं डाल सकता। फिलहाल मैंने जितने डाला उतना तो आपके लिए काफ़ी होगा। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, वो थोड़ा सा सिंपल हो गया है, अब आप गेम खेल कर भी पैसे कमा सकते हो घर बैठ कर, बट कुछ इसके जो तरीके हैं उनको बस अपनाने हैं और उसके बाद आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स एंजॉय करिए आप स्क्यूब टीवी को।